ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। हाल ही में अवैध डंपिंग ग्राउंड के विषय पर आमरण उपोषण संपन्न हुआ, ऐसे में प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है, आइए जानते हैं जनसंपर्क अधिकारी से। सर, उल्लासनगर 5 के डंपिंग ग्राउंड को हटाने की मांग को लेकर काफी नगर सेवक और वहाँ के रहवासी लोग उपोषण पर बैठे थे, तो इस विषय पर माननीय आमदार रविंद्र चौहान जी ने भी यहाँ पर आकर कमिश्नर जी से कुछ मीटिंग की और काफी उसमें भाजपा के लोग भी थे, तो क्या विषय हुए उस मीटिंग में, किस प्रकार से लोगों को राहत मिलेगी डंपिंग ग्राउंड से? देखिए, 5 नंबर जो उल्लासनगर महानगर पालिका के क्षेत्र के अंदर एक हमारा कचरा व्यवस्थापन करने का डंपिंग करने का डंपिंग ग्राउंड है, उस डंपिंग ग्राउंड को लेकर काफ़ी सारे सम्माननीय महापालिका सदस्य और जनता में से नागरिकों में से कई लोगों ने मांगनी की है क्योंकि ये आज से डंपिंग ग्राउंड बंद किया जाए, हटाया जाए। उस तहत हमारा उल्लासनगर महानगर पालिका का काफ़ी सालों से हमारी खुद की जगह होनी चाहिए, डंपिंग प्रोसेस होनी चाहिए, वहाँ पे ओला कचरा, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग प्रोसेस होनी चाहिए और उसके बावजूद वहाँ की एक कंपोजिंग प्रोसेस होनी चाहिए। इस मामले में हमारी प्रोसेस और प्रक्रिया शुरू है। बार बार शासन के पास डिमांड करने के बावजूद हमें उसाट ने जो गाँव है वहाँ पर ज़मीन मिली है, वो ज़मीन को हमारा मोजनी हुआ है महसूल डिपार्टमेंट की तरफ से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसके हमें कंपाउंड वॉल डालने के लिए हमने वहाँ पे एक निविदा सूचना भी मंगाई है। दूसरा जो ओल्ड डंपिंग ग्राउंड है वहाँ पे भी वहाँ ये करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए भी कार्य आदेश दिया गया है और उसका काम प्रारंभ हो चुका है। और उस तहत वहाँ पर जो कुछ लोगों की ऐसी शिकायत थी सन्मान्य सदस्यों की, जो शिष्टमंडल आया था, शिष्टमंडल के साथ सम्माननीय लोक प्रतिनिधि, तो उनमें से माननीय आयुक्त ने जी ने जो उन्होंने शिकायत की थी कि वहाँ पे मरे हुए जानवर डालते हैं, उसके बारे में भी एक स्वतंत्र SI को एक जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसकी कैसे विल्लेवाट लगानी है उसके बारे में भी आदेश दे चुके हैं महानगर पालिका। इसी तरह से वो तुरंत हमें नया डंपिंग ग्राउंड की जगह और प्रोसेसिंग की पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद ये वहाँ का डंपिंग बंद होगा, इस तरह से माननीय आयुक्त महोदय ने सभी शिष्टमंडल्स को लिखित में पत्र देके आश्वासित किया है। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।